हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपडेटेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज के बारे में। जो कल का मैंने एक मिस्टेक किया था, सिलेबस वाइज मैंने देखा था, पर सिलेबस वाइज नहीं था वो एग्जाम में। जो एचएस वालों का था 175 के क्वेश्चन मार्क्स थे 100 क्वेश्चन के लिए, तो उसके अपडेटेड उसके रिगार्डिंग अपडेटेड वीडियो मैंने बना रहा हूँ अभी। तो यह अपडेटेड कट ऑफ जो है, उसके पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। तो उसके पहले जो है देखिए, क्वेश्चन आस्क्ड बाय यू ऑल, आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे उनमें से एक है डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन ऑफ वुमेन एंड कैटेगरी। मतलब किसी ने तो मुझे पूछा है कि जो ओमेंस है उनका जो रिजर्वेशन होता है, उनका तो अलग से एक रिजर्वेशन होता ही है, उनके साथ अगर कोई वो कैटेगरी से होता है तो उनका कैसे होता है, वो उसके बारे में बात करने वाला हूँ इस लिस्ट में। और दूसरा है पीडब्ल्यूडी, किसी ने मुझे पूछा था कि पीडब्ल्यूडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में दोनों का आंसर देने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मैंने जो बोला है वो थोड़ा सपोर्ट कर देना, क्योंकि अभी मेरा एम है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना। तो आई होप आप लोग मेरा साथ दोगे। चलिए शुरू करते हैं, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बनाया उसका देखते हैं। देखिए, ये कैटेगरी वाइज और पेपर थ्री जो था एचएस वालों के लिए वो 100 क्वेश्चंस के लिए 175 मार्क्स था, जो कल आप लोगों ने कार्य करके दिया, इसके लिए थैंक यू। और इसके लिए देख सकते हो मैंने जो कट ऑफ बनाया है सबको देखते हुए, तो वो है जनरल और जनरल मेल के लिए 140 प्लस रह सकता है। ठीक है, 140 प्लस जनरल मेल के लिए रहने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसी थे कंपेरेटिवली आई मीन जीके के क्वेश्चन शायद उसमें ज्यादा थे, वो सेकंड शिफ्ट में ज्यादा थे, तो उसके अकॉर्डिंग लोग बोल रहे थे कि बाकी क्वेश्चंस को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि आप लोग इंग्लिश का पोर्शन देखते हो और आपका वोकैब ठीक ठाक है तो फिर तो ठीक है, और अगर वोकैबुलरी जो इंग्लिश के सिनोनिम इंटरनेम्स पूछे गए थे उनके बारे में देखो आप, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम तो आएगा आप लोगों को। ठीक है, और मैथ्स में एरिथमेटिक पोर्शन में से ज्यादा पूछा गया था और बाकी ईजी था, तो आप उसके बेसिस पे मैंने बनाया है कि सेकंड पेपर वॉज मतलब मॉडरेट कह सकते हो आप। और ये जो फर्स्ट पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का 20 अगस्त का, वो क्या था आपका, वो इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट था, तो इसके लिए इजी टू मॉडरेट है इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, जनरल के लिए 140 प्लस है जो मेल है, और फीमेल के लिए है 130 प्लस, यानी कि ये मैंने मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होने की संभावना बहुत कम है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत कम है इससे ज्यादा होने की, इससे कमी होने की संभावना है, तो ये मैक्सिमम लेके चल सकते हो आप। और ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए मेल के लिए देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसके लिए ईडब्ल्यूएस जो है वो मेल का 135 प्लस रहने की संभावना है, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 125। ठीक है, और ऑब्वियसली मेल के लिए 130 प्लस, फीमेल के लिए 120 प्लस, एग्जैक्ट फिगर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, तो इसके लिए इतना 130 प्लस तक जाएगा, उससे मतलब कम हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, और फीमेल के लिए 120 मैंने बताया, एससी मेल के लिए 115 प्लस, क्योंकि 175 क्वेश्चन थे तो 115 प्लस तो जाएगा ही, एससी फीमेल भी हो, क्योंकि आप लोग अगर असम टेट लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हो तो उसमें 200 प्लस, अच्छा वो तो कैलकुलेट दूसरी तरह से होता है, फिर भी 200 प्लस गया था, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ कि 115 जाने की संभावना है बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आप 30 या 40 क्वेश्चन जीके से करते हो, 30 क्वेश्चन जो था उसमें आप करते हो 30 क्वेश्चन राइट, तो उसमें भी आपको 45 मार्क्स मिलते हैं, बाकी इजी बहुत सारे थे पार्ट जो इजी थे, तो उसमें से मिला के ये हो सकता है। ठीक है, और फीमेल के लिए 110, और एसटी प्लेन जो है, एसटी प्लेन के लिए मेल के लिए 105 प्लस रह सकता है, और फीमेल के लिए 100 प्लस, और एसटी हिल्स के लिए जो मेल के लिए 100 प्लस रह सकता है, और एसटी हिल्स फीमेल्स के लिए 95 प्लस, और पीडब्ल्यूडी जिसके बारे में एक भाई ने मेरे साथ मुझे पूछा था कुछ कमेंट में, तो उनके लिए है ये, देखिए मेल के लिए 85 प्लस आसपास रहेगा 85 के, और फीमेल के लिए 175 प्लस। ठीक है, तो ये आपका पीडब्ल्यूडी का। और एक जो डाउट था किसके मन में, ओबीसी के बारे में वो बात कर रहे थे, मैं ओबीसी नहीं सबके बारे में बात कर देता हूँ, कि जो रिजर्वेशन फीमेल के रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन क्या होता है, और मतलब रिजर्वेशन में अगर वो कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, सपोज एससी है और उसमें से कैटेगरी है, तो वो कैसे होता है वही बात करता हूँ। देखिए, ये 120 प्लस जो है वो अगर एक ओमेन है, ठीक है, एक ओमेन है, और वो क्या होता है 120 मिलता है उनको, जो कि है यूआर से। ठीक है, यूआर मतलब अनरिजर्व जो है, अनरिजर्व में से जो है उनको अगर मिलता है 120 प्लस, और जो है फीमेल है पर ओबीसी से, और उनको भी 120 प्लस मिलता है, तो इन दोनों में से इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया है पर एग्जैक्ट कुछ नहीं मिला, पर उसके बेसिस में मैं ये बना रहा हूँ कि जो 33% शायद रिजर्वेशन फीमेल के लिए कुछ रहता है, मैंने ठीक से मतलब वो जो है उसका डाटा नहीं मिला मुझे, पर उनमें से जो मैंने निकाला है जो उसका बात है कि ये 120 प्लस रख सकता है, और अगर वो ओबीसी से, जो मैंने बताया ओबीसी से जो है, ओबीसी फीमेल है उनके लिए प्रेफरेंस ज्यादा दे जाएगा, और कंपेयर किया जाए तो वोमेन जो 120 प्लस 120 मिला है, सपोज इनको 120 मिला है, ठीक है, फीमेल और इनको भी 120 मिला है, तो 120 जो ओबीसी है उनको दिया जाएगा। रिजर्वेशन तो दोनों के लिए है, पर रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी अगर उनका ओबीसी है तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेम एससी फीमेल के लिए है, और अगर इसमें कोई डिफरेंस है और आप लोगों को पता हो तो प्लीज क्लियर कर देना, मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, पर ये मुझे जो मैंने
थोड़ा सर्च करके दिखा, तो सर्च करने के बाद मुझे मेरे सामने ये आया कि जो फीमेल है और कैटेगरी से आते हैं और दोनों का जगह सेम होता है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन तो होता है दोनों के पास और एक लिमिटेड स्पॉट ही होता है ना, जो फीमेल के लिए होते हैं और फीमेल के लिए भी, और जो होता है क्या कि कैटेगरी वाइज होता है, ठीक है, तो उनको तो उतना ही सीट दिया जा सकता है। सपोज अगर दोनों को 120 मिलता है, दोनों के पास रिजर्वेशन है और वो दोनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो उनको जितना सीट दिया जा सकता है उतनी दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका सीट, मतलब कोई लड़के का जो सीट है उसका सीट उनको दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जिनका जो है सीट है उनका उनको ऐसे मिलेगा। सेम एससी के लिए है, सपोज किसी लड़की को एससी से जो है और फीमेल है उनको मिलता है 110 मिलता है, और जो है जनरल से है उनको 110 मिलता है, तो प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मुझे बता देना, अगर कोई डाउट रहता है तो सब नीचे कमेंट करके बता देना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और हैंड राइटिंग में मत जाना यार प्लीज़, मैं कोशिश किया मैंने लिखने के लिए जल्दी जल्दी में ये सोचते। और चलिए ठीक है, फिर ये रहा ओवरऑल वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।